देख सकते हैं मैं जो बताया था कि ये बेगूसराय का किंग जॉम वहाँ नाव पे बैठा है, ये अभी साउथ कोरिया से आगे हम लोग आए और वहाँ किंग जॉम बैठा हुआ है, किंग जॉम वहाँ पे किंग जॉम बैठा हुआ है, अच्छे से दिख रहा है, कोरिया से बहिष्कृत कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं अभी हम बेगूसराय का नया ओवरब्रिज जो है उसी पे हैं, तो पीछे मेरी गाड़ी लगी है और सत्यम हमारे साथ है, तो अभी मैं सस्पेंस रख रहा हूँ कि कहाँ चल रहा हूँ, तो वीडियो को देखिएगा तो रास्ते में मैं बताऊँगा कि हम लोग कहाँ चलने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वैसे हमें 40 किलोमीटर चलना है, ये ध्यान में रखिएगा और सस्पेंस है, मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगा। अभी मैं बेगूसराय का जो न्यू ओवरब्रिज बना है अभी यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं वहीं पे हूँ और हमें क्या करना है, अभी यहाँ से सबसे पहले पन्हास होते हुए हरदिया रजौड़ा खमार ये सब होते हुए हमें अभी चलना है 40 किलोमीटर मंझौल की तरफ। अभी मैं बता दूं दोस्तों, बेगूसराय का ओवरब्रिज पे मैं हूँ और ओवरब्रिज है और इसके जस्ट हमारे लेफ्ट साइड में पड़ जाता है बेगूसराय स्टेशन, आपको शायद में भी ट्रेन दिख रहा हो, यहाँ पे ट्रेन एक जा रही है और ओवरब्रिज के जस्ट नीचे से राइट साइड में लोहिया नगर पड़ जाता है, यहाँ बेगूसराय का ओवरब्रिज समाप्त होता है। मैं बता दूं दोस्तों को, ये जो है ये बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज है। और मैं दोस्तों को एक बात दिखा दूं कि बेगूसराय का जो पुलिस लाइन है, अभी आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पुलिस लाइन है बेगूसराय का, ये पुलिस लाइन है। अभी मैं पन्हास चौक, इसी को वीर कुंवर सिंह चौक बोलते हैं, यहाँ से ही सारा रास्ता टर्न होता है, अगर हम सीधे चलते हैं तो मंझौल और चिड़िया वरियारपुर की तरफ चल जाएंगे और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है और पीछे जो है ये वीर कुंवर सिंह चौक, यहाँ वीर कुंवर सिंह का एक प्रतिमा भी लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं सुभाष चौक, हम लोग जो पुराने वाले ओवरब्रिज है उधर से वो रोड जो जा रही है वहाँ से हम लोग चल सकते हैं और लोहिया नगर से हम अभी होते हुए आए हैं पीछे से और सीधे हम लोग मंझौल चल जाएंगे और बेगूसराय रेलवे ओवरब्रिज भी हम लोग पीछे होते हुए आए, तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अभी मैं वीर कुंवर सिंह चौक यानी पन्हास से निकल चुका हूँ और इसके बाद जो है हरदिया आएगा, तो मैं दोस्तों को बता दूं कि अभी हम लोग कंकौल पहुंचने वाले हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि अगल बगल पेड़ पौधे और बीच में रोड, जब ऐसा रोड हो ना तो राइडिंग करने का मजा ही कुछ अलग आता है। दोस्तों अभी मैं 14 किलोमीटर कंप्लीट करके अभी मैं खमार पहुंच चुका हूं, ये जो देख रहे हैं ये अभी हमारा जगह खमार है। अभी आपको दिख रहा होगा अभी मैं कुंड ढाला के पास पे हूं और यहीं पे जो है गौतम धाम है जो कि नया नया अभी बन ही रहा है और काफी खूबसूरत बना है, तो इसका भी ब्लॉग मैं डालने वाला हूं तो वो भी देख लीजिएगा। ये गौतम धाम जाने का मंदिर है जो कि काफी खूबसूरत मंदिर बन रहा है यहाँ पे, वो तो आप लोगों को ब्लॉग देख के पता चल जाएगा जब मैं उसका वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी देख सकते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है, दोस्तों ये जो हमारा जिस रूट से हम अभी चल रहे हैं मंझौल वाले रूट में, तो इस रूट में आपको सिर्फ कांवरिया ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है हरिगिरी धाम गढ़पुरा, तो मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा कि मैं भी वहीं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, बट इसी रास्ते से होकर चल रहा हूं तो सस्पेंस है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों यहां का रोड देख सकते हैं काफी ही बेहतरीन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दोस्तों अभी मैं यहां पे रास्ते में रुका हूं दिखाने के लिए आपको, ये सत्यम भी हमारे साथ है, ये भी अपना शूटिंग कर रहे हैं और ये अपनी प्यारी सी बाइक रही जिससे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं और यहाँ का रोड आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन बन रहा है, कितना ही अच्छा लग रहा है, तो सत्यम को देख लीजिए। तो गाइज आपने रूट देख लिया, रास्ता देख लिया, अपन किस रास्ते से जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं ये अभी आपसे भी बताएंगे आप। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैं बेगूसराय का जो ओवरब्रिज है वहाँ से मैंने राइडिंग शुरू किया था और पन्हास होते हुए खमार होते हुए अभी हम लोग खमार के बीच वाले रास्ते में रुका हूँ
और मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने भी जैसे पीछे बताया था कि मैं गढ़पुरा इधर एक मंदिर पड़ता है हरिगिरी धाम, तो दोस्तों मैं भी क्लियर करता हूँ मैं वही जा रहा हूँ अभी गढ़पुरा हरिगिरी धाम हम लोग जा रहे हैं वहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो यार। अभी मैं कोरिया में हूँ। क्या बोला तूने? और ये जो है हमारा ये नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया नहीं, ये हमारे इंडिया, हमारे भारत का कोरिया है। तो कुछ भी ए गाड़ी स्टार्ट कर, तो मैं ये मत सोचिएगा कि ये राइडिंग तो बेगूसराय से शुरू किया और ये जाके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कैसे पहुंच गया। दोस्तों यहाँ से भी जो है मंझौल मात्र 3 किलोमीटर बचा है, फिर हम लोगों को मंझौल से थोड़ा आगे जाना, वहाँ से फिर हमें राइट लेके हरिगिरी धाम चलना है। दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं ये हमारा पूरा सिवरी पुल रहा, देख सकते हैं मैं जो बताया था कि ये बेगूसराय का किंग जॉम वहाँ नाव पे बैठा है, ये अभी साउथ कोरिया से आगे हम लोग आए और वहाँ किंग जॉम बैठा हुआ है, किंग जॉम और फिर किंग जॉम बैठा हुआ है, अच्छे से दिख रहा है, कोरिया से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो अभी मैं सिवरी पुल पे ही हूँ और यहाँ से हम लोग अभी चलते हैं सीधे हरिगिरी धाम। दोस्तों ये मंझौल का चौराहा रहा, अगर हम लोग को बकरी चलना है तो इस रोड से भी चल सकते हैं और हरिगिरी धाम भी इस रोड से हम लोग चल सकते हैं, और हम लोग अभी इस रोड से नहीं होके सीधा चलेंगे क्योंकि इधर से जाने में काफ़ी दूर पड़ जाएगा। इस चौराहा से आपको यहाँ पे सार्वजनिक माँ वैष्णवी का दुर्गा स्थान है, याद रखिएगा, ये मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसी रोड से हम लोग हरिगिरी धाम चलेंगे। एक चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं, जब आप हरिगिरी धाम आते हैं तो आपको यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम भी देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे जो है सावन का महीना है तो यहाँ पे हर चीज़ आपको सही से बनाया हुआ देखने को मिलेगा, मतलब एक एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे ये लड़का यहाँ पे इस भाई साहब को क्या हुआ हो? हाँ? बड़ा पैर इसका थोड़ा मोच आ गया था। ठीक हुआ? नस चढ़ गया क्या? भारी है ना पैर? हो गया, चल सकते हैं तो मेरे बाइक पे एक बैठा लेंगे। चलना है क्या? परेशानी है तो चल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अभी जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो रास्ते में ये रूपेश कुमार नाम का एक लड़का जो हरिगिरी धाम ये दौड़ते हुए जा रहा था, तो इसके पैर में कुछ मोच वगैरह आ गया था, तो मैंने इसे देखा तो अपने साथ बाइक पे बैठा लिया हूँ। ये भी पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं, रूपेश कुमार जो है ये पीछे से बता रहे हैं कि ये सिमरिया से दौड़ते हुए आ रहे थे तो पैर जवाब दे देगा। लगभग 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ से सिमरिया पड़ता है, तो उतना दूर से पैदल आना जल लेके तो थोड़ा पैर में समस्या आ गया था, तो मैंने इसे अपने साथ ले लिया है।
दोस्तों यहाँ से गढ़पुरा मात्र 2 किलोमीटर बचा है। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं गढ़पुरा का हरिगिरी धाम है, जो उसके मंदिर जाने का, जो अभी सावन का समय, जहाँ से मेन गेट बनाया गया है मंदिर जाने का, उस गेट के पास आ गया हूँ मैं। तो ये पूरा गढ़पुरा चौक है, यहाँ से हमें ये अंदर राइट लेना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मैं गढ़पुरा हरिगिरी धाम जाने का मेन गेट में अंदर कर चुका हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ है। दोस्तों यहाँ पे आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ है, और भी सोमवार का दिन है और सावन के महीना में सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ रहता है। तो चलिए मैं अभी आपको आगे और भी चीज़ दिखाता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कितना भीड़ है, और काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आज सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ रहता है, तो आप यहाँ पे भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ बना रहता है सावन के महीने में, जो कि उस दिन मैं आपको दिखाया था और आधा नहीं दिखा पाया था, तो मैं आज आया हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अभी गढ़पुरा के हरिगिरी धाम में आ गया हूं, और पीछे ये हमारे मंदिर आपको दिख रहे होंगे, और ये मणिकांत है जिसके बारे में मैंने बताया था। इसी के साथ अभी हम गढ़पुरा के हरिगिरी धाम में आए हैं। तो चलिए अभी इसका एक एक करके हम सारा वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा, अगर आप सावन के सोमवार को आते हैं, तो जैसा कि वहाँ पर आपको बाँस से बना हुआ लाइन दिख रहा होगा, तो आपको उस लाइन से होके इस मंदिर में जल चढ़ाना पड़ेगा। और हमारा जो यहाँ हरिगिरी धाम का जो भोले बाबा का मंदिर है, वो कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपको दिख रहा होगा। अभी मंदिर का मेन गेट ये है, यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे। दोस्तों अभी मैं गढ़पुरा हरिगिरी धाम के जो मेन भोला बाबा का मंदिर है, अभी मैं उसमें हूँ, और यहाँ से हम लोग सीधे अंदर चलेंगे। तो अभी आपने देखा वो हरिगिरी धाम के हमारे भोला बाबा थे, और सामने जो आपको दिख रहा है ये हमारा पार्वती जी का मंदिर है। और जैसा कि आप अभी ये देख सकते हैं,
दोस्तों अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ हमारा जो गढ़पुरा का अभी जो हमारे गढ़पुरा घरेगिरी धाम जो मंदिर है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे भुलावा का मंदिर है। और मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ये जो आप सीधे इसके मंदिर देख रहे हैं ये माँ पार्वती का मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर। तो ये जैसे आपको दिख रहा है ये हमारे काली माता का मंदिर है। आप जैसा देख रहे हैं अभी मैं गढ़पुरा हरिगिरी धाम मंदिर में जो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते हैं सावन में, तो अभी मैं वही टेंट पंडाल के अंदर हूँ, स्टेज के अंदर हूँ। तो मैं अभी आपको वो स्टेज भी दिखाता हूँ, शायद मेरे पीछे दिख रहा हो। दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया वो सारा अभी जो था गढ़पुरा के हरिगिरी धाम का था। अभी आप मेरे पीछे ये वीडियो देख सकते हैं, ये पीछे हमारा मंदिर कुछ ऐसे दिखता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।